रेवाड़ी में बड़ा सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 1 घायल। पिकअप गाड़ी और कार की जोरदार टक्कर। दोनों गाड़ियों में 3-3 लोग सवार थे, जिनमें पिकअप सवार एक ही बचा, जो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये इधर से एक गाड़ी पिकअप जा रही थी और उधर से वो गाड़ी, वो पिकअप गाड़ी आ रही थी, वो वहाँ से डिवाइडर कूद गई, ये पिकअप इधर से आ रही थी, दोनों के आमने सामने टक्कर हुई है। ठीक है, अब मैं तो दुकान बढ़ाने के लिए अभी बाइक निकाली थी मैंने अपनी, इतनी देर में धमाका वाम इकट्ठे हुआ जाके फिर ये गाड़ी उड़ी आपस में फंसी निकाली इनको। इसमें जितने भी बॉडी थी, पिकअप में एक आदमी घायल था थोड़ा, वो सही था, बाकी दो इसमें मर गए थे और गाड़ी में से निकाले थे। एक आदमी गाड़ी में बैठा दिया था, कोई पर्सनल गाड़ी रोक के हमने उसको मैं भी ले दो, फिर पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस, बाकी एम्बुलेंस में और जो पुलिस की गाड़ी थी उसमें डाल। कुल दोनों में कितने आदमी थे? पिकअप में 3 बंदे थे और गाड़ी में? गाड़ी में 4 थे और पब्लिक इकट्ठी होगी सबने, मतलब इसके पाड़ पाड़ के जब सब बॉडियां सब निकाली। इसमें महेंद्रगढ़ रोड पर सहारनवास गांव के पास की घटना, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर रॉन्ग साइड जाकर सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से टकराई, पिकअप सवार घायल। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगामी कार्रवाई में जुटी। भाई ऐसा है, कनीना की तरफ से एक रिटिका गाड़ी आ रही थी रेवाड़ी की तरफ और एक पिकअप रेवाड़ी से कनीना की तरफ जा रही थी। इर्टिका गाड़ी के चालक ने ना गाड़ी को डिसबैलेंस करके रोड डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड में पिकअप में टक्कर मारी, जिसमें इर्टिका गाड़ी में बैठे 3 आदमियों की मौत हो गई और 2 आदमियों की मौत पिकअप में हो गई और एक इंजर्ड सिया का शेर सिंह घायल है, उसके बयान पर सदस्य किया गया है और 5 आदमियों की इसमें मौत हो गई और सभी का पोस्टमार्टम कराने चालक के खिलाफ कार्रवाई की। Thank you.